Now we see that what is left hand limit and what is right hand limit. If x tends to 2 from left hand side, the right limit is called left hand limit, and if x tends to 2 from right hand side, then that limit is called right hand limit. So left hand limit is limit x tends to 2 minus 2 minus means 2 minus x. 2 minus means not minus 2, 2 minus something, 2 minus 0.000001, that is 1.9999, is the meaning here. 2 minus ka meaning hai 2 se slightly less than, kitna kam rahega h, x is 2 minus h, as x tends to 2, h tends to 0. Mera function ye tha, isme x ka value 2 minus h rakha jayega, yahan bhi, ये जरा 2 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एच माइनस 2. अब ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस एच होल स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 एच माइनस 4, ये 2 टू कैंसिल हो गया, माइनस एच 4 फोर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा एच स्क्वायर माइनस 4 एच बाय माइनस एच. ये भी 0 बाय 0 फॉर्म का है, ये भी 0 बाय 0 फॉर्म का था, ये 2 पर 0 बाय 0 देगा, या जब 2 रखेंगे तो ये 0 बाय 0 देगा, तो लिमिटिंग केस में रहेगा, लिमिट लगा हुआ है. यहाँ भी 0 बाय 0 है, यहाँ भी लिमिट लगा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू नहीं रखा जाएगा. वैल्यू कब रखा जाएगा, जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा. जैसे ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म समाप्त हो जाएगा, तब ये जो लिमिट का वैल्यू है उसको हम लोग रखेंगे. अब माइनस एच कैंसिल नाउ, अब ये 0 बाय 0 नहीं रहा. अब यहाँ जब रखेंगे h का वैल्यू 0, 4 माइनस 0 दैट इज 4. ये 4 नहीं है, ये 3.999 समथिंग है, पहले हम लोग देख चुके हैं. इफ x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड मींस x का वैल्यू 1.99999, fx का वैल्यू 3.9999, वही मीनिंग यहाँ पर है, ये 3.999 समथिंग इसको 4 लिखा जा रहा है. तो 4 इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू. राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2. 2 प्लस मीन्स 2 प्लस एच, एज एक्स टेंस टू 2 एच टेंस टू 0. अब यहां पे फंक्शन में 2 प्लस एच रखा जाएगा, यहाँ जो 2 माइनस एच था, अब यहाँ 2 प्लस एच हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ से ही आ जाएगा. देखिए 2 प्लस एच होल स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4 एच माइनस 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी 2 प्लस एच रखेंगे, 2 प्लस एच माइनस 2, 2 टू कैंसिल, 4 फोर कैंसिल, तो बचेगा एच स्क्वायर प्लस 4 एच डिवाइडेड बाई एच, एच इज कॉमन, एच प्लस 4, एच इज कैंसिल. अब इसका 0 बाय 0 फॉर्म समाप्त हो गया है, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये 0 बाय 0 नहीं रहेगा. सो दिस इज 0 प्लस 4 4. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, व्हेन ए लिमिट एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट. If left hand limit is equal to right hand limit, then if left hand limit equal to right hand limit, then limit is said to be exist. लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल. अगर दोनों इक्वल नहीं होगा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. अभी हम लोगों ने देखा कि एग्जिस्ट कर रहा है.
this limit exists. Why? Because left hand limit is 4, right hand limit is also 4, so this limit exists. Does limit x tends to 0 mod x by s exist? This is the another question. ये limit exist कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखा जाए. इसका left hand limit निकाला जाएगा, इसका right hand limit निकाला जाएगा. If both limit are equal, then limit exist. What is left hand limit? LHL. LHL is the left hand limit. So this is equal to limit x tends to 0. इसको mod से बाहर निकाला जाएगा. सिंबल ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0 माइनस. 0 पर 0 माइनस, 2 पर 2 माइनस. 2 माइनस मीन्स 2 माइनस एच. 3 माइनस मीन्स 3 माइनस एच. तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, तो 0 माइनस. 0 माइनस मीन्स 0 से छोटा, तो नेगेटिव नंबर हो गया. तो एक्स नेगेटिव हो तो ये मॉड के बाहर रखे नेगेटिव हो जाएंगे. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दिस विल बिकम माइनस एच. एक्स नेगेटिव हो जाएगा. इफ एक्स इज नेगेटिव मॉड एक्स इज माइनस एक्स. हम लोग जानते हैं एक्स पॉजिटिव रहेगा तब मॉड एक्स इज एक्स. तो दिस इज माइनस वन. व्हाट इज राइट हैंड लिमिट? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस. राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस. 0 प्लस इज द सिंबल ऑफ राइट हैंड लिमिट at x equal to 0, mod x by x. So this is equal to limit x tends to 0, 0 plus means greater than 0, and if x greater than 0, mod x is x. ये mod बाहर आ जाएगा तो x हो जाएगा, mod x x हो जाएगा तो x by x ये 1 हो जाएगा. तो left hand limit is minus 1, right hand limit is plus 1, both are not equal. लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. Or we can say this is the formula to find the limit of the form limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a. This is equal to n into a to the power n minus 1. इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बहुत सारे लिमिट निकाल सकते हैं. जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा लिमिट, ये भी हम लोग किए हैं x tends to 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2. इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, इसका राइट हैंड लिमिट निकाला, दोनों बराबर आ गया, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था. अब इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से हम लोग देखेंगे. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स का पावर 2 माइनस 4 इज 4 इज 2 स्क्वायर बाय एक्स माइनस 2. नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन. द वैल्यू ऑफ एन इज 2. अब एन का वैल्यू 2 है और ए का वैल्यू भी 2 है, तो फॉर्मूले से क्या है एन ए एन माइनस 1. तो एन इसका 2 है, एन ए कितना है, ए भी 2 है, एन एन माइनस 1 2 माइनस 1. तो दिस इज 2 इंटू 2 इक्वल टू 4. यहाँ भी वही वैल्यू आ रहा है 4, पहले भी वैल्यू 4 आ रहा था. तो जहां पे इस फॉर्म का रहेगा वहां पर सीधे हम लोग इसको यूज करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं, मेहनत इसमें कम रहेगा. उसमें हम लोग फैक्टर निकाल रहे थे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और उसको कैंसिल करने के बाद तब उसका वैल्यू निकाल रहे थे. क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 बाई
एक्स टू द पावर 15 माइनस 1 बाय एक्स टू द पावर 10 माइनस 1, ये भी 0 बाय 0 फॉर्म है. इफ यू पुट x इक्वल टू 1 डायरेक्टली, तो 1 टू द पावर 15 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0 आ जाएगा, और न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 0, सो दिस विल बिकम ऑफ द फॉर्म 0 बाय 0 व्हिच इज मीनिंगलेस और इनडिटरमिनेट. इसका वैल्यू नहीं रखेंगे, नहीं दे रहा है, तो लिमिट यहां लगा रहेगा, इसे हम यहां पर यूज करेंगे. दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 बाई x माइनस 1, और नीचे भी कर देंगे x टू द पावर 10 माइनस 1 बाई x माइनस 1, ये दोनों अलग अलग कर देंगे. तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x माइनस 1. अब यहां कितना बताइए, ये 1 को लिखेंगे 1 के पावर 15, यहां भी 1 के पावर 15, n का वैल्यू 15 हो गया न्यूमरेटर में, n a का वैल्यू 1 है, n माइनस 1, डिनोमिनेटर में कितना है इसका वैल्यू 10 है, 10 n 10 है, a 1 है और n माइनस 1, n n माइनस 1, तो दिस इज 15 बाय 10, कैंसिल कर दीजिए 5 से 15, तो दिस इज विल बिकम 3 बाय 2, तो 3 बाय 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.